अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लज़ानिया बनाने का और घर में बनाने का सबसे आसान और सबसे जल्दी तरीका बताऊंगी, और वो बहुत ही सिंपल है। मैं इसको आपको बेसिक जो है ना, आपको बेसिक बता रही हूँ कि टिप के कैसे बनेगा। अब आप इसके अंदर एड ऑन बहुत चीज़ें कर सकते हैं, मशरूम्स कर सकते हैं, ऑलिव्स कर सकते हैं, वेजिटेबल्स कर सकते हैं, तो वेरिएशन आप लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बेसिक बताऊंगी कि आपने लज़ानिया कैसे बनाना है। तो उसके लिए जो है ऑलमोस्ट जो है पाव एक मैंने चिकन लिया है बोनलेस। ये हाथ का कीमा होता है, बट मैंने इसको हाथों से खुदी से इधर चॉप कर लिया। शिमला मिर्च चाहिए, वो सिर्फ टॉपिंग के लिए चाहिए। प्याज चाहिए, उसके अलावा मैदा चाहिए। टमाटो पेस्ट चाहिए, जिसके अंदर मैंने टमाटो, केचप और पेस्ट को मिक्स कर दिया है। लज़ानिया हमें मिल्क चाहिए होगा, सोया सॉस चाहिए, सिरका, टमाटो केचप, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और ऑयल। अच्छा, इसमें आप क्योंकि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बने, तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं और आप ऑयल भी डाल सकते हैं वाइट सॉस के लिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, ऑयल डाला इसमें। अच्छा, इसकी जो हमने कीमा तैयार करना है इसका, इसमें आपका ख्याल रखना है कि बहुत कम ऑयल हो, कि बस ड्रॉप ऑयल डालें आप, ज़्यादा ऑयल मत डालें। ये ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून होगा, क्योंकि ये फिर जो है ऑयल ऊपर आ जाता है। और हम जल्दी से इसके अंदर ये डाल देते हैं। पहले प्याज जस्ट उसको आप हल्का सा ब्राउन करें, बल्कि साथ ही डाल दें उसको, आपको ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं। और इसकी आग जो है आप इसकी आंच, बस आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, क्योंकि चिकन को आप जितना ज़्यादा कुक करते हैं वो सख्त हो जाता है और उसके सारे जो वो हैं नरिशमेंट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और अब साथ ही मैं इसमें इसको जस्ट आपने 1-2 चम्मच मारने, जस्ट ये एक दफ़ा वो हो जाता है। अब हम इसके में सोया सॉस डालते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून, बिकॉज सोया सॉस के अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपने नमक का ख्याल रखना है कि जब आप नमक डालें तो वो इतना ज़्यादा ना डालें। और बिल्कुल 2 pinches ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट। काली मिर्च डालते हैं थोड़ी सी, और वो भी ऑलमोस्ट 3 pinches करने हैं आप, दैट्स इट, 3 pinch ऑफ ब्लैक। अच्छा, इसके बाद आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, ये भी ऑलमोस्ट है। और ये भी आपने आप पे डिपेंड करता है कि आप स्पाइसी खाते हैं तो इसको तेज़ करें, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो फिर आप इसको ज़रा माइन्यूट सा रखें, बिकॉज जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो बेसिकली सही सीजनिंग का काम करती है। और इसके अलावा इसमें हम बिल्कुल पिंच ये डालेंगे, बिकॉज ये हम रेड सॉस भी साथ ही बना रहे हैं, इसकी रेड सॉस सेपरेट नहीं है, इसी के अंदर बनेंगे, तो रेड कलर रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इसमें होता है पेपरिका, आप वो भी डाल सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव इट कोई मसला नहीं, आप अपने पाकिस्तानी डालें सीजनिंग्स, टेस्ट इसका बिल्कुल वैसा ही आएगा। और आप इसमें डाल दें ओरिगैनो, दैट्स इट। ओरिगैनो जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट लगता है मुझे लज़ानिया में, बिकॉज बहुत अच्छा आपको एक फ्लेवर देता है। ठीक है, और ये आपका हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये टमाटो पेस्ट है, अब इसमें 2 टमाटर है और उनका पेस्ट बना के उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा केचप भी डाल के इसको ग्राइंड कर दिया, और अब मैं वो इसमें डाल दूँ। और आग आपकी बिल्कुल तेज़ होगी कि जस्ट आपने इसको तेज़ तेज़ पकाना है, तेज़ आंच में, ठीक है, बिकॉज ये बोनलेस चिकन तो बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है। ओके जी, ये आपका आपका ये बन गया। सोया सॉस आप बीच में अगर डालना चाहते हैं डाल दें, और थोड़ा सा आप सिरका डाल दें, थोड़ा सा सिरका ये होता है कि इसकी
कोई भी हल्की सी भी स्मेल होती है चिकन की या किसी भी चीज़ की, वो ख़त्म कर देती है। दैट्स इट। तो ये बस तेज़ आग में हम रख देते हैं, और हम मीन वाइल ऐसा करते हैं जितनी देर में बनता है हम वाइट सॉस बना देते हैं। बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस के लिए हमें एक कप है या वन ग्लास कर लें, हमें दूध चाहिए, इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए, और इसके अलावा हमें सोया सॉस चाहिए, और एक गेहूँ चाहिए, और मैदा चाहिए, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून, ठीक है। और हमें स्टॉक चाहिए जो कि मैंने इस पानी के अंदर ही मिक्स कर लिया हुआ है, और वो आप स्टॉक भी डाल सकते हैं अंदर। ये जो कनोर का स्टॉक होता है या आपके पास ओरिजिनल स्टॉक है वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके लिए जो वाइट सॉस है ये थोड़ा सा अच्छा, ऑब्वियसली मैंने लज़ानिया बॉईल कर ली, इनको सिंपल बॉईल करना है, वो मैं आपको लज़ानिया का भी बता देती हूँ। अच्छा, अब इसके लिए आप बटर यूज़ करते हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव द बटर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल मिनिमम चीज़ें हैं और आप बनाना चाह रहे हैं लज़ानिया, तो इस ये आपका इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा जैसे कि आप बाजार से खाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये ऑलमोस्ट मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि बटर भी ऑलमोस्ट वो जो छोटा वाला बटर होता है 50 मिलीग्राम वाला, वो डाल सकते हैं। और इसके बाद आप ये डालें, ये मैदा डालें। अच्छा, अब मैदा जो है ये फोर, अब इसको ये है कि ये बहुत ट्रिकी है, वाइट सॉस को आपने बिल्कुल भी जो है छोड़ना नहीं है, कि इसको आपने साथ साथ करना है, जैसे कि आप इसको सूजी को करते हैं इसी तरह आपने वाइट सॉस को साथ साथ चम्मच चलाना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, वरना इसमें गिल्टियाँ बन जाती हैं। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं, बस इतना कि ये के अंदर स्मूथली मूव कर दे ऐसे। ऐसे मैं ऑयल थोड़ा सा कम इसलिए डालूंगी, इसमें चीज़ भी डलेगी तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, और जब ये बेक होगा तो ये ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसलिए आपने सॉस में भी और इसमें भी ऑयल का जो है ना बहुत इसकी मेन टिप ये है कि ऑयल आपने ऐसे डालना है कि बेकिंग के दौरान ऊपर ना आए, तो आप बटर यूज़ करें या ऑयल यूज़ करें वॉट एवर, लेकिन अब आपने इसको ब्राउन करना है। ये देखिए इतना चूल्हा आपने बिल्कुल आहिस्ता रखना है, और इस बेसन को बेसन नहीं मैदे को आपने अच्छे से फ्राई करना, और इस पर थोड़ा सा सिर्फ टाइम लगता है, क्योंकि वाइट सॉस का यही एक प्रोसीजर है, जैसे सूजी बनती है तो उसका मेन प्रोसीजर ये होता है कि स्टार्ट में जो आपने अच्छे से भून लिया तो वो उतना इसकी खुशबू आनी शुरू होगी, तो हम इसके अंदर दूध और पानी डालेंगे। अभी इसकी खुशबू कच्ची है, जूं ही इसकी खुशबू आती है तो मैं इसके अंदर वो डालती हूँ। अब सबसे पहले आपने बहुत एक तो इसको बिल्कुल मैंने अब आप इसको ऐसे कर दें बिल्कुल एंड में लें और इसको, और अब आप बिल्कुल ग्रेजुअली हल्का हल्का डालेंगे दूध। ये देखें ये, क्योंकि अगर आप ये देखें बिल्कुल आपने ग्रेजुअली डालना है, क्योंकि ये अदरवाइज ये मुझे पानी भी दें। अब आप ये देखेंगे ये इस फॉर्म में आ गया, और ये आपने हल्की आग में इसको रखना है तो ये ऑटोमेटिकली ये थिक होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग डालते हैं, ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, और एक एनो, ये भी ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून, और इसके अलावा ब्लैक पेपर, इफ़ यू हैव द वाइट पेपर आप वाइट पेपर को वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, मैंने ब्लैक पेपर ही डाला है, ठीक है। और हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। अच्छा, अगर आपने कनोर का स्टॉक डाला है तो फिर आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि उस वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, अगर आप नमक डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नमक वाला हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सीजनिंग्स के साथ ये स्टार्ट, ये देखिए ये ठीक होना शुरू हो गया, ये देखें आप, ये देखें ये ऐसे करके ठीक होना शुरू हो गया। जी आपने एक चीज़ को ख्याल रखना है कि आपने कि उसके साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है कि गुठलियाँ ना बने, और यही इसकी बेसिक वो है मतलब टिप है कि आपने इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी करते हुए बनाते हुए। ठीक है, ये आपकी ऑलमोस्ट वाइट सॉस रेडी है। अब हमने इसमें एंड में चीज़ डालनी है और वो चीज़ को भी इसके अंदर मेल्ट करना है, क्योंकि जब वाइट सॉस में आप थोड़ी सी चीज़ डाल देते हैं। अच्छा हाँ, इसमें आप जो चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो मैं नहीं कर रही मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, क्रीम कर सकते हैं, कभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्रीम के साथ तो वाइट सॉस का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है, तो आप क्रीम डाल दें और 2-3 टेबल स्पून क्रीम के डाल दें और अब हम इसके अंदर चीज़ डाल देंगे। ठीक है, तो आप इसको शेड भी कर सकते हैं और आप इसको नॉर्मल तरीके से काट के भी डाल सकते हैं। और ये इसके अंदर मेल्ट होगी और जब ये बेक होगी तो ये सॉस भी चीजी होगा। बिल्कुल ये इस तरह है, चीज़ी सॉस है ना, ये बहुत पतला है ना ये बहुत खारा है। अच्छा अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो लज़ानिया की वाइट सॉस होती है उसको आप थोड़ा थिक बनाते हैं, और जो आप कैसरोल की जैसे जो पास्ता की जो आप वाइट सॉस बनाते हैं वो थोड़ी पतली बनाते हैं। लज़ानिया की वाइट सॉस थिक इसलिए होती है क्योंकि हमने इसकी लेयरिंग करनी होती है, तो ये फिर उसको जोड़ने के काम आती है वाइट सॉस, तो इसको थोड़ा सा आप थिक ही रखते हैं कंपैरेटिवली कैसरोल के। जी इसमें आप जब ये बंद कर दें तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा और ये रखिएगा, बिकॉज ये जैसे कि आपने देखा होगा जो गार्लिक चिली गार्लिक सॉस होती है वो जिस तरीके से होती है इसमें थोड़ा सा मीठा होता है जो ये होता है, और थोड़ा सा इसमें मैं केचप ऐड करूँगी एंड में। आपका चूल्हा बंद है और आप थोड़ा सा ऐड कर लें, और ये केचप हम इधर ही रखते हैं क्योंकि लेयरिंग में काम आएगा। तो ये हमारी चीज़ें तैयार हैं, ये अब हम यहाँ पर रखते हैं और ये हम यहाँ पर रखते हैं। सो अब ये लज़ानिया जो है नॉर्मल लज़ानिया का मैंने पैक किया है, और इसको सिर्फ नमक में और इसको आपने कनोर के और ऑयल में डाल के इसको से मैंने बॉईल कर लिया इनको, और फिर आप इसको गर्म पानी में करके ठंडे पानी में इनको ठंडा कर लें और ऑयल लगा लें। ठीक है, तो ये दैट्स इट। अच्छा अब सबसे जो पहले बेस आएगी वो आएगी आपके चिकन की, और वो ऐसे आएगी कि आपने इस तरह करना है। हाँ जी, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एक डेमो के लिए इतना थोड़ा सा बना रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज आप ये क्वांटिटी डबल करते रहे और जितना मर्जी आपने लज़ानिया करना है। अच्छा ये इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें केचप को ऐसे स्प्रिंकल किया, और इसके अलावा हमने इसके अंदर फिर थोड़ी सी वाइट सॉस को स्प्रिंकल किया। ठीक है, और उसके अलावा हम इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा चीज़ को इस तरह करके डाल, आप इसको शेडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि मैं उसको ऑन द स्पॉट कर लूँ। अच्छा अब आपने लज़ानिया शीट्स को इसके ऊपर प्लेस करना है। जी लज़ानिया शीट को आपने ये करना है कि ये वाली लज़ानिया शीट्स होती हैं, ये आपको डब्बा मिल जाता है मार्केट से आराम से। पानी आपने तकरीबन हाफ आप अपने देश की फुल करें, उसको गर्म करें, पानी को तेज़ गर्म करें, उसमें नमक कनोर का एक क्यूब और जो है ना ऑयल कुकिंग ऑयल वो डाल के उसके अंदर इसको बॉयल कर लें, लेकिन प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से बॉयल करें क्योंकि ये जो है ये थोड़ा टाइम लेती है, ऑलमोस्ट आपको 15 to 20 minutes लगते हैं इनको बॉयल करने, और बस उसको आप पानी में ठंडे पानी में रख के ऑयल करके आप इसको साइड पर रख।
आप इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं मैं आपको ये बता सकती हूँ। आप इसके अंदर मशरूम डाल सकते हैं, आप इसके अंदर ऑलिव्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर इवन स्क्वायर में काटे हुए प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सॉरी शिमला मिर्च और इस टाइप की तमाम चीज़ें, इसको किसी वेरिएशन आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ये मैं आपको बेसिक रेसिपी बता रही हूँ सिर्फ। मैंने चीज़ थोड़ी कम इसलिए डाली है क्योंकि मैं चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट ये कि ऑब्वियसली इसमें आप चैटर भी डाल सकते हैं और आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आप बस ये समझ लें कि मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक रेसिपी दी है और आप इसके थ्रू अब आप कुछ भी बना सकते हैं। पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं सबसे ज़्यादा आपको मज़ेदार बहुत से डिशेस सिखाऊंगी और सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस है इकोनॉमिकल हो, वेरी क्विकली आपको लज़ानिया तैयार हो गए, हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और द यमीएस्ट फूड। और आपकी इसमें यह कि अब आपने इसको बेकिंग के लिए रखना है। अच्छा, अब आपने इसको अंदर रखा, ठीक है। अच्छा, जिनके पास ग्रिल माइक्रोवेव है उनको आपने ये करना है कि आपने उसको इसको तो मेरा ये नॉर्मल है माइक्रोवेव, इसको मैंने मीडियम हाई पे रखा है और इसको मैं रखूँगी ऑलमोस्ट 7 मिनट्स, ठीक है। और ये आप ग्रेजुअली साथ साथ चेक भी करते रहे। अच्छा, अब जिनके पास ग्रिल माइक्रोवेव हैं उनका मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा पहला वो ग्रिल माइक्रोवेव था। आपने उसको लोअर एक आपको वहाँ उस माइक्रोवेव में दो आपको मिलते हैं बेस, आप उसको लोअर बेस में रखें और 20 की हीट में रखें और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए चलाएं, ठीक है, कन्वेंशन वाले जिनके पास माइक्रोवेव है। और जिनके पास सिंपल है आप उसको सिंपल मीडियम हाई पे 7 मिनट्स के लिए रखें। आपका ये लज़ानिया तैयार है। अब आपने इसको सर्व कैसे करना है कि आप ये ऐसे करके इसको करें ऐसे। और ऐसे करके आप इसको सर्व करें। ठीक है, और ये आप देखें, अब आप इसकी लेयरिंग चेक करें कि आपका वो हो गया। अब ये एक और आप डाल सकते हैं, एक और पीस भी हम डाल देते हैं, इसको ऐसे करें और इसको ऐसे करें और ये आपका पूरा का पूरा पीस एज इट इज लज़ानिया का इधर आ जाएगा। आपका लज़ानिया बिल्कुल तैयार है।
ये आपका होम चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब करें, कुकिंग वीडियोस आपको मिलेंगी और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत इकोनॉमिकल मैं आपको वीडियोस बताऊंगी और एक इकोनॉमिकल होगी और एक बहुत जल्दी मतलब फास्ट रेसिपीज़ होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिश आपकी अच्छी लगी होगी। नेशन 92 को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें।